First, I'd like to welcome all of you, and I'd like to welcome Crystal sir and thank him for giving us the time कि वो हमको ये concept बहुत अच्छे से समझा सके. And the whole idea why we came up with this swords and Sufi medieval conversion myths and lies topic was कि I can talk for myself and many of the listeners here. हम लोगों ने history सिर्फ हमारे school life में पढ़ी है, और हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो इट इज़ अ वेरी बहुत बड़े ओशन में से फ्यू ड्रॉप्स, वो भी थोड़े से डिस्टॉर्टेड पड़े हैं. वी हैव नेवर स्टडीड हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटीज़ आफ्टर दैट. एंड हमको अब जाके फ्यू इयर्स बैक से वी हैव स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, रीडिंग गुड बुक्स. सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्विटर स्पेसिस, डिबेट्स पे. एंड नाउ हमारी आँखें खुल रही है, नाउ वी हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन वॉर गेम चल रहा था हमारे साथ. एंड दिस हैज़ ऑल बीन अ स्टोरी ऑफ नैरेटिव्स, एंड हमको ये बात समझ भी नहीं आई. एंड मे बी वी वर टू नाइव एंड जस्ट वट एवर इन्फॉर्मेशन वॉज थ्रोन एट अस, हम उसको बस सच मान के बैठे थे. सो द होल आइडिया ऑफ दिस स्पेस इज इट इज़ अ प्योरली अकेडमिक स्पेस. इट इज़ ओनली बींग कंडक्टेड ताकि हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट क्लियर हो. We are not here to discuss any religion and the goods of a religion. We are only here to understand what has happened in the past. Our history क्या है, हमारी journey क्या है, हमारा resistance क्या रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है. पहले मैं अगर एक बात कहूँ, चूंकि अदित भी यहाँ हैं, ये सारा माजरा उसी स्पेस से शुरू हुआ जो इश्तियाक अहमद की स्पेस थी दो दिन पहले मॉर्निंग में, और जो नैरेटिव वो थ्रो कर रहे थे. इनफैक्ट वो कोई नया नैरेटिव नहीं है कि जो पूरे हिंदुस्तान में जो कन्वर्जन हुआ है वो मेनली हमारे यहाँ डिप्रेस्ड कास्ट के थ्रू हुआ है, क्योंकि वो हिंदू सोसाइटी में बहुत सब्जेगेटेड थे. और ये काफ़ी फेक नैरेटिव है और इसको बहुत लंबे समय में बिल्ड किया गया है. इसके अलावा भी कई और भी नैरेटिव्स हैं जिसपे हम लोग आज चर्चा करेंगे. जैसे आप देख लें कि जो हमने टॉपिक भी रखा है उसका मेन यही है कि अगर आप पूरे यूरोप में भी, मिडल ईस्ट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये हिस्ट्री राइटिंग हुई है उसमें आप देखेंगे एक वाइट वॉशिंग लेटर ऑन पीरियड में आपको मिलेगा. और एक बहुत खूबसूरत नैरेटिव रहा है कि क्या इस्लाम जो है बाई सॉर्ड फैला है या बहुत पीसफुली फैला है. तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी में आपको ये बहुत क्लैश दिखेगा, वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये बाई स्वॉर्ड फैला है. लेटर ऑन पीरियड में खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग ये चेंज देखते हैं कि बड़े सटल तरीके से इसको चेंज किया जा रहा है कि ये स्वॉर्ड से नहीं फैला है, कुछ अदर रीजंस रहे हैं. और इस्लाम की जो खूबसूरती है उसके थ्रू जो है लोग उससे बहुत अट्रैक्ट होके इसमें आ गए हैं, इस फोल्ड में. तो वो नैरेटिव को हमें तोड़ना है, इसके लिए भी हम लोग इस स्पेस में डिस्कशन करेंगे. जी, सो अगर हम देखें ये 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बसे एंड धीरे 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 इन्होंने रूल किया हम पे, तो हमें जो हम जो आज तक सुनते आए हैं द नैरेटिव्स दैट दिस हैज़ बीन लार्जली अ पीसफुल कन्वर्जन. जो भी हमने कन्वर्जन देखा है इंडिया में, दिस इज़ वन नैरेटिव थ्रोन एट अस. द अदर वॉज कि ये जो कास्ट थे हमारे कम्युनिटी के, जो बहुत ऑप्रेस थे, अब जो बहुत अनइक्वालिटी फेस करते थे, इनके साथ ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है बिकॉज दे थॉट इस्लाम वॉज अ रिलीजन ऑफ पीस और यहाँ उनको ठीक लगेगा. देन देर इज़ अगेन अनदर एंगल जहाँ पे ये सूफिज़म की बात करते हैं कि ये बहुत ही पीसफुली, ये पीसफुल कन्वर्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी फिलोसफी के साथ लोगों को मूव किया एंड दे केम एंड जॉइन द मूवमेंट एंड कन्वर्टेड. एंड देन देर इज़ अगेन वन व्हेन समबडी ट्राइज टू क्वेश्चन दीज नैरेटिव देन देर इज़ अनदर नैरेटिव थ्रोन एट अस कि अगर ये पीसफुल नहीं होता तो आज 80% इंडियंस हिंदू कैसे रहते, क्योंकि हमने फोर्स नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती नहीं की, इसीलिए हमने सबको साथ में रहने दिया. सो ये नैरेटिव्स जो हमारे स्पेस का टॉपिक भी है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर कि ये सही में था विद द हेल्प ऑफ इट वाज अ पीसफुल कन्वर्जन एंटायर दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड आल्सो. नहीं, इसमें तो कहीं कोई दोरा नहीं. वैसे तो आपने जो नैरेटिव्स बताए हैं बिल्कुल ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना. और लिटरली में आप अगर देखें हिस्ट्री में इसको इसी तरह से कवर किया गया है जैसा आपने बताया है. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को पहली बात समझना कि अगर बाई सॉर्ड और बाई पीस, ये जो स्कॉलरली लेवल पे जो डिफरेंस है आप इसको ट्रेस कीजिए कहाँ से आ रहा है. तो एक 2006 का इंसिडेंट अगर किसी को याद हो, पोप बेनेडिक्ट ने जर्मनी में एक लेक्चर दिया था
और उन्होंने एक रेफरेंस दिया था 1391 एडी में एक कन्वर्सेशन था एक बाइजेंटिन क्रिश्चियन एम्परर का एक इस्लामिक पर्शियन ट्रैवलर के साथ, और वो जो कन्वर्सेशन था वो इसी लाइट में था कि इस्लाम जो है वो सॉर्ड से फैला है, और चूंकि उसमें कुछ और भी बातें थी जिसके कारण से काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, और 2006 में पूरी दुनिया के जितने भी उलेमाज हैं जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो काफी पोप बेनेडिक्ट के खिलाफ जो है सड़कों पे भी उतरे और लोगों ने बड़ी नारेबाजी की। तो काउंटरिंग जो है इस्लामिक वर्ल्ड में, इसको बहुत कायदे से अगर देखें तो यूसुफ अल करदवी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं अगर आप देखें इस्लामिक थियोलॉजियन पर्सपेक्टिव से कि इन लोगों ने कैसे काउंटर करने की कोशिश की है। इन लोगों ने एक आवरण पहनाने की कोशिश की है कि नहीं नहीं इस्लाम जो है वो बाई पीस फैला है और इसमें रिलीजन में जो है वो सॉर्ड या तलवार के दम पर जो बार बार बोला जाता है वो ये एक यूरोपियन मेकओवर है नीचा दिखाने के लिए, लेकिन अगर कोई इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ेगा तो वो ये पाएगा कि उसमें शुरुआती दौर में भले ही जो है वो सॉर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, वॉर्स हुए हों, लेकिन लेटर ऑन पीरियड में अगर आप जाके देखेंगे तो उसे बहुत पीसफुल किया गया है। उसी तरह से जो आपने एक और रेफरेंस दिया जिसमें अपने यहाँ के डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को बार बार बोलते हैं जो बात आपने कही कि अगर तलवार के ही दम पे हुआ था तो हिंदुस्तान में 80% लोग कैसे नॉन मुस्लिम रह गए, तो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड क्वेश्चन जिसको हम लोग डील कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो डाइसेक्ट करके देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और भी अदर नैरेटिव्स जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक डॉक्टर फजलूर रहमान हैं जो पाकिस्तान के हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए हैं, वो भी इसी तरह की बात करते आपको मिल जाएंगे कि इस्लाम जो है वो सॉर्ड के दम पे पॉलिटिकल इस्लाम को लाया गया, लेकिन एक बार जब पॉलिटिकल इस्लाम स्टैब्लिश हो गया तो बाकी का जो कन्वर्जन है वो बहुत पीसफुल हुआ है। तो ये जितने भी आप इनके नैरेटिव को सुनेंगी उनके उसमें वही है, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखेंगी कि अंदर में क्या हुआ है, जो आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगी, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगी, आप फिर देखेंगे धीरे धीरे आपके परतें खुलेंगे कि नहीं, इंडिया ने जबरदस्त रेजिस्टेंस भी किया एक एस्पेक्ट में, दूसरे एस्पेक्ट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस्लामिक रूल में आप देख लीजिए कि चाहे वॉर के थ्रू, चाहे इंस्लेवमेंट के थ्रू, चाहे जजिया के थ्रू, जितने सारे इकोनॉमिक और सोशल कंपल्शंस सोसाइटी पे लगाए जा सकते थे ताकि वो तंग आकर कन्वर्ट हो जाए, वो सारे हथकंडे अपनाए गए, उसके बावजूद भी इस देश में जो है वो कन्वर्जन उस लेवल पे नहीं हो पाया है और उसकी भी कुछ खास वजहें हैं। तो इस लाइट में हम लोग इसको देख सकते हैं। आपके चारों पांचों पर्सपेक्टिव जो आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डील विद। सो शुड वी टेक सर एक-एक जो हम एक एक पॉइंट वाइज ले कि पहले तो ये आइडिया कि ये पीसफुली स्प्रेड हुआ है, शुड वी टेक इट वन बाय वन और शुड वी टेक इट पीरियड वाइज? जैसे आप देखिए एक बड़ी वो बात कही जाती है ना कि जो है कि इस्लाम का जो पीस एंड जस्टिस और इक्वालिटी जो है, ये जो हमारे जो रिलीजियस पीपल और जो आजकल के हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि इसको देख के जो है लोग जो है दीवाने हो गए, पागल हो गए और आकर कन्वर्ट हो गए, तो इसका क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है? इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अब आप जाके देखें कि हिंदुस्तान में रिकॉर्ड्स देखिए, आप रिकॉर्ड क्या कहता है, अलबेरुनी का आप स्टेटमेंट उठाकर देखें, अलबेरुनी की जो किताब है किताबुल हिंद, उसको बहुत सेलेक्टिवली हमारे हिस्टोरियंस कोट करते हैं। उसमें वो लिखता है कि विद द इन्वेजन ऑफ महमूद द हिंदूज वर लाइक एटम्स ऑफ डस्ट, इस तरह से वो बिखर गए, उनको मार दिया गया। इसको खूब कोट किया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन इसके बाद की बात नहीं बताई जाती है। अलबेरुनी लिखता है कि जिस तरह से इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, जो हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनका इम्प्रेशन मुसलमानों के खिलाफ इतना ज्यादा खराब है, क्योंकि ये इतना ब्रूटल इन्वेजन था, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में ये सिविलाइजेशनल अटैक था, इसके पहले राजा लड़ते थे, सैनिक लड़ते थे, कभी भी सिविलियन पॉपुलेशन को मास स्केल पे मारा और इंस्लेव नहीं किया जाता था। तो एक डीप अवर्जन जो है डेवलप हुआ हिंदुओं के बीच में इस्लाम को लेकर और मुसलमान को और इन्वेजन को लेकर, और ये डीप अवर्जन नोट करता है अलबेरुनी अपनी किताब किताबुल हिंद में, जिसका ट्रांसलेशन एडवर्ड सचाव ने किया है, लेकिन इस पॉइंट को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, इसको नहीं लिखा, छुपा लिया जाता है इसको। आप दूसरी बात लें, हिंदुस्तान में अटैक तब हुआ, उसके पहले तो सेंट्रल एशिया में अटैक हो चुका था, तो सेंट्रल एशिया में आपके जितने भी बुद्धिस्ट थे उन सबको मारकर भगा दिया गया, उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया, उनकी मतलब आइडेंटिटी को ही फिनिश ऑफ कर दिया गया। पर्शिया में भी यही हुआ, और ये सारे न्यूज सेंचुरीज से फिल्टर होकर आ रहे थे आपके पास। आपके पास कोई लड़ाई, आप
1000 में जब आपके यहाँ असल में मुस्लिम इन्वेजन कायदे से हुआ, उसके पहले ये 300 साल में तो ये सारा कुछ खत्म हो चुका था। विद इन 300 ईयर्स वो इंफॉर्मेशन सीप इन होके नॉर्थ वेस्ट में आया और लोगों के अंदर एक डीप रिवल्जन था इस्लामिक रूल को और इस्लामिक इन्वेजन को लेकर। तो आप सोचिए कि कहाँ इनके जस्टिस को किसी ने देखा। और सिर्फ यही बात नहीं है, आप देखें लेटर ऑन पीरियड में, आप चले जाइए लेटर ऑन पीरियड में, हिंदुस्तान में कंप्लीट रेजिस्टेंस दिया गया है हर मोड़ पे। आप देखेंगी एक तो क्या है, हिंदुस्तान की बड़ी खास बात रही है कि ये बड़ा डाइवर्स कंट्री रहा है। तो किसी भी डाइवर्स कंट्री में कोई भी व्यक्ति एक दिन घुसकर पूरे देश को अपने अंडर नहीं ले सकता है, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, वो धीरे धीरे आता है। दूसरी चीज है डाइवर्सिटी के साथ साथ, जो कल्चरल डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के साथ साथ आप अगर देखें तो इकोलॉजिकल बेसिस पे भी हिंदुस्तान जो है काफी डाइवर्स था। पहाड़ और रेगिस्तान के अलावे अगर आप मिडिवल पीरियड के अगर फॉरेस्ट एरिया और माउंटेन एरिया को देख लीजिए, बहुत ज्यादा घने जंगलों से भरा हुआ था। इतने सारे रेफरेंसेस हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मिलते हैं कि हिंदूज जो रिकैल्सिट्रेंट थे, जो दबना नहीं चाहते थे इस्लामिक रूल से, वो सारे लोग भाग जाते थे इन जंगलों में और जाकर वहां पे रेजिस्टेंस शो करते थे। आप देखिए कि आप जियाउद्दीन बरनी जो दिल्ली सल्तनत में हिस्टोरियन है, उसने इस बात को कोट किया है। इब्न बतूता जिसने रेहला लिखी, जो मोरक्कन ट्रैवलर था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में आया, वो आने के बाद उसने इसी चीज को फेस किया। उसने अलीगढ़ का रेफरेंस दिया है कि वहां बहुत घने जंगल थे जहां पे ये सारे लोग जो है रॉबरी का काम कर रहे थे, जो रेवेन्यूज थे उसको रोक लेते थे दिल्ली सल्तनत के, और ये रिवोल्ट कर रहे हैं वहां पे। उसने एक वॉर का भी जिक्र किया है। आप उसके बाद चले जाएं, उसके बाद में भी आपको रेफरेंसेस बाबर के मिलेंगे। उसकी तुजुके बाबरी किताब में उसने क्लियर कट आगरा के बारे में लिखा है कि जब हम पहुंचे वहां पे तो सारा कुछ जो है वो निपटा दिया गया था, जितने अनाज है वो सबको लेकर भाग गए लोग, वो जंगलों में चले गए हैं, वो रेजिस्ट करना चाहते हैं। तो वो भी रेफरेंस है। आपका रेफरेंस जहांगीर के तुजुके जहांगीरी में आपको मिल जाएगा, जो जहांगीर खुद लिख रहा है कि इस देश में रिवोल्ट कभी खत्म ही नहीं होता है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने इस देश में रिवोल्ट होता है, और वो इसका वो पूरा जिक्र कर रहा है। और लेटर ऑन पीरियड में आप औरंगजेब को देख लें तो रिवोल्ट तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, जहां पे जाट हैं, सतनामी हैं, सिख हैं, मराठा, राजपूत, भील, गोंड सबने रिवोल्ट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस की जो बात है हिंदुस्तान में, उसको आप अगर एक सही तरीके से पिरोकर एक सही पर्सपेक्टिव में नहीं रखेंगे तो आपको हमेशा ही लगेगा कि इन्वेडर्स आए और आकर यहाँ पे बस गए और हम उनके उनके जो है सबसर्वियंट हो गए। तो ऐसा नहीं था, बहुत जबरदस्त रिसेंटमेंट रहा है और बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस रहा है, और यही खास वजह है कि हमने किसी भी सल्तनत को स्टेबलाइज नहीं होने दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग और उनके स्पीचेस को कंज्यूम करने वाले लोग ये बात कहते हैं कि आप 80% लोग कैसे नॉन मुस्लिम रह गए, हमारी दरियादिली है, नहीं आपकी दरियादिली नहीं है। इल्तुतमिश का मैं रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत में शुरुआती दौर में था, ऐबक के बाद, और इल्तुतमिश जब नॉर्थ वेस्ट में यानी लाहौर के आसपास एक्सपेडिशन कर रहा था तो उस समय के कुछ मौलाना उलेमा जो कोर्ट उलेमास थे, उन्होंने इल्तुतमिश से कहा कि बहुत हो गया, हिंदुस्तान में अब हम लोग स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेट अस कन्वर्ट देम, ये जजिया वजिया छोड़िए, इनको कन्वर्ट कीजिए। इल्तुतमिश ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन हम हिंदुस्तान में किसी डिश में जिस तरह से नमक होता है उस तरह हैं, हम अगर ये काम करने जाएंगे हमारी सत्ता उसी दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो रेजिस्टिंग नेचर का है, रिवोल्टिंग नेचर का है। तो अगर कोई ये कहता है कि 700 सालों में आप झक मार के बैठे रहे और रूल होते रहे, ऐसा नहीं है। आप कमजोर जरूर थे लेकिन आपने रेजिस्ट हमेशा किया है, और इसी के कारण से कोई भी सल्तनत नहीं टिक पाई। ये जो हम दिल्ली सल्तनत बोल देते हैं 300 साल का, वो दिल्ली सल्तनत नहीं है, उसमें कई सारे डायनेस्टीज हैं, और हर डायनेस्टी 40 से 50 साल के बाद बिखर जा रही थी। खलजी के बाद तुगलक आ रहे थे, तुगलक के बाद सैयद आ रहे, सैयद के बाद लोदी, और मुगल एम्पायर भी आपके 150 साल में बिखर गया, आपके रेजिस्टेंस में बिखर गया। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, और दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन टू वॉट पीपल लाइक डॉक्टर जाकिर नायक एंड सम ऑफ द हिस्टोरियंस ट्राई टू पोर्ट्रे कि भाई इस देश में जो है 80% नॉन मुस्लिम्स इसलिए रह गए क्योंकि हमारी दरियादिली थी। ये बिल्कुल झूठ है।
इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं। हम लोग आगे और चर्चा अगर करेंगे इनके अदर नैरेटिव्स पे तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जी आकांक्षा जी। जी सर, आप अभी जब मेंशन कर रहे थे, यू स्पोक अबाउट दी अदर सोसाइटीज, जैसे आपने इजिप्शियन सोसाइटी, पर्शियन, अरबिक, हम ये सोसाइटीज जब पहले से थी, एंड वी हैव सीन दैट दे हैव बीन कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू इस्लामिक स्टेट्स, एंड व्हेन वी लुक एट इंडिया, हम देखते हैं कि हम नहीं हो पाए जो आप अभी कह रहे थे। सो जो आपने अभी मेंशन किया, दैट वाज द रीज़न कि अपना जो एक कल्चरल हमारा रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल रूट्स है, हमारे बहुत सारे किंगडम्स, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में, यही कारण है कि देयर वाज मोर टू इट इफ यू कंपेयर द अदर सोसाइटीज एंड द इंडियन सोसाइटी। नहीं, आपके जो आपने कहा बिल्कुल उसमें सत्यता है। आप देखिए कि जो इजिप्शियन सोसाइटी की बात करें, आप सीरिया की बात कर लें, मिडल ईस्ट में अरेबिया की बात कर लें, जो विद इन 50-70-100 ईयर्स जो है वो इस्लामिक एम्पायर के अंडर में आना शुरू हो गया। पर्शिया आप देखें, पर्शिया भी कम्प्लीटली जो है वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन उनकी उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखिए, पहली बात दे आर नियर टू फ्रॉम वेयर इस्लाम केम इन टू बींग। इस्लाम का जो ऑरिजिन है अरेबियन पेनिनसुला पे, तो वहां से एक तो उसकी जो है प्रॉक्सिमिटी बहुत नजदीक है, दूसरा उनका जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत नहीं है, एक ही तरह का सब कुछ है अगर आप देखें उस लिहाज से। तीसरी बात, जो हिंदुस्तान में है जो डाइवर्सिटी आप हम लोग बात कर रहे थे, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, और चाहे पॉपुलेशन के बेसिस पे हो, और लैंड मास भी कोई छोटा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी देखिए तो इट्स टू टफ। जो लोग भी आए वो लाहौर से लेके बंगाल तक बहुत इजीली मूव आउट कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत को भी आप देख लीजिए और बाद के भी आप मुगल को भी देखें, तो उनका मेजर एरिया जो है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन रहा है। लेकिन टू मूव टू साउथ, नर्मदा क्रॉस करना और आपका विंध्यास क्रॉस करना और दक्कन पहुंचना और दक्षिण भारत जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप मिलिट्री एक्सपेडिशन कर सकते हैं लेकिन उसको कम्प्लीटली जीत के सेंट्रलाइज्ड रूल में लाना काफी मुश्किल है। तो दैट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट जहां पे हम ये कह सकते हैं कि दिस वॉज ऑल्सो एन एस्पेक्ट जहां पे वी वर एबल टू सेफ गार्ड आर सिविलाइजेशन। एट द सेम टाइम जो सोशल स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था अपने लिए और जो एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है हिंदुस्तान की, उसमें वो स्ट्रेंथ जरूर है। तभी तो आप 700 इयर्स तक सस्टेन करने के लिए तैयार हो गए, तभी आप जो है कछुए की पीठ की तरह जो है ना आपने अपने शेल को मजबूत कर लिया और बिल्कुल उसके अंदर चले गए और यू गेव अ फाइट बैक। तो ये एक डिफरेंस तो जरूर है इसमें। जी जी, थैंक यू क्रिस्टल सर। क्रिस्टल सर, मैं जो जाकिर नाइक वाला आपने बात किया और जो मैं कह रही थी कि 80% हम अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, एंड दैट इज़ बिकॉज दे अलाउड अस टू लिव द वे वी वांटेड टू। इसी का एक काउंटर मैं जब ये के एस लाल जी का बुक पढ़ रही थी, द इंडियन मुस्लिम्स हुआ दे, सो इसमें उन्होंने ना 4-5 रीजंस मेंशन किए हैं कि वाई इंडियन, मतलब जो कुछ कन्वर्ट हुए वो क्यों हुए। एक तो उन्होंने पहला रीज़न कहा है द फियर ऑफ डेथ, देन सेकेंड उन्होंने मैंशन किया है द फ्यूर ऑफ द फैमिली इज बींग एनस्लेव्ड, एंड देन एक जो एक फोर्सफुल कन्वर्जन का उनके ऊपर पूरा टाइम प्रेशर था, एंड देर वर ऑल्सो सम जो एक उनको लालच दिया जाता था एंड फॉर ऑब्टेनिंग पेंशंस एंड रिवॉर्ड्स एंड बूटीज एंड जमींदारीज एंड जॉब्स, ये एक उसका कारण था, और कुछ उनको बड़ा थ्रेटन किया जाता था। ये ऐसे उनके कुछ 4-5 रीजंस हैं। अगर हम इसको एंड जाकिर नाइक जी के स्टेटमेंट को कंपेयर करें, सो देन हम व्हाट शुड वी बिलीव इन। चले मैं इसको, आपने जो इसको बिल्कुल, चूंकि आपने कैनवस बड़ा कर दिया, तो चले हम लोग इसको डिटेल में और बड़े तरीके से डील करते हैं। देखिए, आप सिंपल सी बात ये है कि 80% नॉन मुस्लिम कैसे रह गए, वो सब बातें छोड़िए। सिंपल सा देखिए कि कन्वर्जन के क्या क्या तरीके रहे। पहला तो जो ये है कि जब आप बैटलफील्ड पर हैं, बैटलफील्ड से ही ये शुरू होता है जिसको कन्वर्जन थ्रू वॉर्स अगर आप मान लें, तो आप बैटलफील्ड पे आपको मिडिवल क्रॉनिकलर्स के हजारों रेफरेंस मिल जाएंगे जहां पे बैटलफील्ड पे ही हराकर कन्वर्ट किया गया है बाय फोर्स तलवार की नोक पर। तो अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह जाएगा। आप उत्बी जो गजनी के साथ हिंदुस्तान में आया था, वो कोर्ट हिस्टोरियन था जिसने तारीख यामिनी किताब लिखी है, जो आपके एलियट एंड डॉसन हैं, उन्होंने 8 वॉल्यूम में ट्रांसलेशन किया है पूरे मिडिवल क्रॉनिकलर्स को। आप पढ़ें, आपके होश उड़ जाएंगे। उत्बी, हमारे आज के हिस्टोरियन बेईमान हो सकते हैं, उत्बी बेईमान नहीं था। उसने डायरेक्टली लिखा है वो सारी चीजों को, वो उसने क्लियर कट लिखा है कि जब
कन्नौज में लड़ाई हुई तो वहां पे 10,000 लोगों को जो है वो सामने सामने कन्वर्ट किया गया है, वो उसका डायरेक्ट रेफरेंस है। और हजारों रेफरेंस ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बैटल फील्ड पे कन्वर्जन किया है। बैटल फील्ड पे कन्वर्जन कुछ हद तक आप जस्टिफाई भी कर लेंगे कि वो बैटल है, बैटल में तो ऐसा होता है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और वो है एनस्लेवमेंट। इसको बहुत कम पढ़ाया गया है हमारे यहाँ, क्योंकि इसको पढ़ाने से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि व्हाइट वॉशिंग हमें ज्यादा करनी होती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम लोग बोलते हैं कि दिस वॉज अ सिविलाइजेशनल चैलेंज, तो उसका एस्पेक्ट यही था कि हमारे युद्ध करने की जो नीतियां थी, हमारे जो वैल्यूज सिस्टम थे, वो डिफरेंट थे। राजा हर युग में लड़े हैं, राजा हर युग में जनता के लिए जो है वो बेईमान साबित हुए हैं, लेकिन इस समय जो मिडीवल पीरियड में लड़ाई हुई, उसमें पहली बार सेना तो सेना के साथ लड़ी, लेकिन हारने के बाद जीतने वाली सेना ने उस पूरे पॉपुलेशन को जड़ मूल से उखाड़ने की तैयारी कर ली। आप बिलीव नहीं करेंगी, हिंदुस्तान में इतना ज्यादा एनस्लेवमेंट हुआ है, और पर्टिकुलरली गजनी पीरियड और गोरी पीरियड का, सिर्फ अगर नॉर्थ वेस्ट जो आप आज का पाकिस्तान है, अगर सिर्फ उसका रेफरेंस लें, तो केएस लाल की ही एक किताब है, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मिडिवल इंडिया, 1978-80 के अराउंड में लिखी गई थी। बहुत अच्छी किताब है, जिसमें उन्होंने बहुत फैक्चुअली बात किया है, जो लिटररी एविडेंसेस उनको मिले हैं उसके आधार पे उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में 2 मिलियन हिंदू पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? आप इनके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लीजिए, उत्पी कहता है 5 लाख लोगों को गजनी यहां से उठाकर ले गया, कन्वर्जन किया गया, एनस्लेव किया गया। मेजर एनस्लेवमेंट किसका होता है? औरतों का, बच्चों का। देखिए, अगर किसी भी समाज में औरतों को अगर एनस्लेव कर लिया जाएगा, खासकर चाइल्ड बेयरिंग एज की लड़कियों को, जो कि प्राइम टारगेट्स रहे हैं, उसका नतीजा ये होता है कि दूसरी कम्युनिटी की जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और जो जो एनस्लेव कर रहा है उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। और ये आप सिर्फ गजनी और गोरी तक मत सीमित रहिए, लोग ये सोचते हैं कि वो शुरुआती दौर का हमला था तो शायद जो है वो ज्यादा खतरनाक थे, और बाद में जैसे जैसे वो हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हुए तो वो काफी माइल्ड हो गए। नहीं, यू गो अहेड, आप मूव कीजिए आगे क्रोनोलॉजिकल टाइम लाइन में, आप पहुंचिए तुगलक पीरियड में। फिरोज शाह तुगलक खुद से रेफरेंस देता है तारीख फिरोज शाही में, जियाउद्दीन बरनी रेफरेंस देता है, 1,80,000 स्लेव्स जो हैं फिरोज शाह तुगलक ने इकट्ठा कराए अपने लिए, 1,80,000 स्लेव्स, और उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब ये 1,80,000 स्लेव्स कहां से आ रहे हैं? वॉर टाइम में नहीं, वॉर टाइम में तो जो आपने कलेक्ट किया है सो कलेक्ट किया है, इवन पीस टाइम में इनके जितने भी नोबिलिटी थी, जो सरदार थे, फौजदार थे, इनको ड्यूटी दी गई थी, ये एक तरह का प्रोग्राम था इनका कि आपने जाना है, आपने जो है रूरल एरियाज से जो है स्लेव्स पकड़ के लाना है, और उसको ले आकर ये लोग जो है अपने यहाँ रखते थे, उनका जो है वो कन्वर्जन होता था, कईयों को जो है एउनच बनाए जाते थे ताकि उनको अदर फॉर्म में काम में लिया जा सके, कुछ लोगों को अपने यहाँ कारखाने खोल खोल के इन लोगों ने उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। वो कारखाने आज के हिसाब से मत समझिएगा, उस दौर के हिसाब से समझिएगा। तो 1,80,000, अब आप इसको बारीकी से जाकर देखिए कि इस पूरी सोसाइटी में क्या हो रहा होगा कि जब पीस टाइम में भी मराउडर्स एवरी सोसाइटी में, एवरी रूरल एरिया में घुस रहे हैं और किसी को भी उठा ले रहे हैं। देखिए, ये हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें इम्प्लिसिटली भी हमें देखनी होती है। आपको डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है इस तरह का कि लोग जो है वो फिरोज शाह तुगलक की स्टेट पॉलिसी थी जिसके थ्रू उसने किया। अच्छा, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, फिरोज शाह तुगलक तो दिल्ली सल्तनत में हो सकता है, तो आप कहेंगे कि यार दिल्ली सल्तनत कमजोर था, मुगल ज्यादा बिनाइन और बेहतर लोग थे, तो शायद मुगल्स ने अच्छा काम किया होगा। और आपको पास हिस्ट्री में रेफरेंस भी दिया जाता है कि अकबर ही वॉज वेरी एनलाइटेंड, और अकबर ने जो ये एनस्लेवमेंट की जो पूरी पॉलिसी थी उसको उसने चेंज कर दी, और अकबर ने 1564 में किसी भी तरह के एनस्लेवमेंट को बंद कर दिया। दैट इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट इन हिस्ट्री, अकबर को आपको इस बात के लिए जो है वो क्रेडिट देना होगा। लेकिन क्या ये चीज पढ़ के हमें खुश हो जाना चाहिए? क्योंकि हमें रेफरेंस फिर से उसी मिडीवल क्रॉनिकलर से मिलते हैं जो अकबर के खुद के कोर्ट में अबुल फजल हैं, वो अकबर नामा में लिखते हैं कि अभी भी पूरे रूरल एरियाज में सारे मराउडर्स घूम रहे हैं, एनस्लेव कर रहे हैं, और स्लेव मार्केट में लोगों को बेचा जा रहा है। अकबर का खुद का नोबल अब्दुल्ला खान उज़्बेक, उसका रेफरेंस है, उसकी खुद के स्टेटमेंट है, जो एलियट एंड डॉसन की किताब में आपको मिल जाएगा, जो ट्रांसलेटेड वर्जन में है। वो ये कहता है कि आई हैव कलेक्टेड 5 लाख स्लेव्स एंड आई हैव
sold them in the slave market and at judgment day ke din jo hai wo mujhe jannat milni hai. That is the mindset of the nobility, that is the mindset of the state aur ulema aur unki puri state policy hai jo from the Ghazni to the Mughal Empire wo continue karti hai. Aur main aapko bata raha hu ki don't think ki ye cheez khatam ho gayi. ये चीज 18th सेंचुरी तक आपको मिल रही है. सियारे मुख्तसरीन एक किताब है 18th सेंचुरी का, उसमें रेफरेंस दिया गया है कि उस समय भी जो है स्लेव के लिए पिक किया जा रहा है, लोगों को एनस्लेव किया जा रहा है, उनको स्लेव मार्केट में बेचा जा रहा है. ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स जो हैं उन लोगों ने जो है जो फैक्ट्री में उस समय आ चुके थे सूरत में, मुंबई में, कोलकाता में, उन लोगों के कई रेफरेंसेज हैं कि जो है एनस्लेव किया जा रहा है. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, जहां पे एक एस्पेक्ट में आप देखिए कि जब इन्वेजन हुए वॉर फील्ड पे कन्वर्ट किया गया, दूसरा जो है वो एनस्लेवमेंट किया गया जो पीस टाइम में रहा है और वो कंटिन्यूअस 400-500 साल में किया गया है, उसके बावजूद भी जो है आप कन्वर्ट नहीं किए. तीसरी बात जो आप चूंकि कह रही थी कि ये बड़ा ही जो है वो 80% जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में कैसे रह गई, आप देखिए कि जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था, चाहे वो मुगल एम्पायर का हो या मुगल एम्पायर के पहले दिल्ली सल्तनत का, जो जजिया का सिस्टम लाया गया था वो एक इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव था ताकि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाए. और आप अगर हमारे आज के हिस्टोरियंस को पढ़ेंगी, सतीश चंद्रा को पढ़ेंगी, इन लोगों ने इतना प्यार से वाइट वॉश किया है कि आप सोच भी नहीं सकती हैं कि ये लोग इतने क्रूर हिस्टोरियन कैसे हो सकते हैं. इन लोगों ने जजिया को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से डील किया है कि नहीं, जजिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, वो बहुत छोटे स्केल पे कलेक्ट किया जाता था, जजिया सबों से नहीं लिया जाता था. देखिए बड़े ह्यूमेन लोग थे इस्लामिक रूलर्स, उसमें वो क्या करते थे कि जो बच्चे हैं उन पे जजिया नहीं लिया जाता था, जो बीमार हैं उनसे जजिया नहीं लिया जाता था, इस तरह से कई रियायतें दी गई थी जजिया में. और ये जो पैसा है वो स्टेट ट्रेजरी में नहीं, वो उलेमाओं को दे दिया जाता था ताकि वो खुश रहें, ताकि जो है एम्पायर स्टेबल रह सके. बड़ा अच्छा इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन इन्होंने दे दिया है. मैं आपको बता रहा हूं कि आप जजिया को जाकर देखें, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया. जजिया जो है वो पैक्ट ऑफ उमर को जाके देखिए, जब उमर ने बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ ट्रीटी साइन की थी, और उस ट्रीटी में आप अगर देखेंगी तो ट्रीटी जो है वो आपको बताता है कि हाउ इस्लामिक स्टेट वांट्स टू ट्रीट दी नॉन मुस्लिम सिटीजन्स और दी सब्जेक्ट्स. तो कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी पैक्ट है वो, जिसमें इतनी गंदी गंदी बातें हैं, इतनी डिस्क्रिमिनेटरी बातें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. जजिया तो पे करना है वो तो अलग बात है, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं वो तो दूसरी बात है. रोड पे भी अगर आप चल रहे हैं तो बीच में नहीं चलेंगे, आप साइड में चलेंगे. अगर आप किसी तरह के घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हैं, आप अगर नॉन मुस्लिम के सामने बैठ नहीं सकते, मतलब इतनी बारीक चीजें. तो बेसिकली उसका इंटेंशन ये था कि इकोनॉमिक बर्डन के साथ साथ ह्यूमिलिएशन भी आपको देना है ताकि आप जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाएं. तो दैट इज दी पैक्ट ऑफ ओमर. आप देखेंगे वही हिंदुस्तान में भी अप्लाई हुआ है, और हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि वो जजिया, आप सारे रेफरेंसेस आपको मिडिवल क्रॉनिकलर्स ही दे देंगे. जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत में हिस्टोरियन था फिरोजशाह तुगलक के दौरान में, उसने क्या लिखा है जजिया के बारे में या खराज के बारे में, जो लैंड टैक्स हुआ करता था, हाउ इट शुड बी कलेक्टेड, उसका रेफरेंस सुनिए आप, आपके दिमाग और होश उड़ जाएंगे. वो कहता है कि अगर कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर जो कि मुस्लिम है, अगर वो जाता है खराज और जजिया कलेक्ट करने के लिए तो सामने वाले को तो देना है, लेकिन अगर टैक्स कलेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे मुंह में थूकना है तो सामने वाले को अपना मुंह जो है अदब और आदाब के साथ खोल लेना है. दैट इज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिएशन परपिट्रेटेड बाय द इस्लामिक स्टेट इन इंडिया विच हैज नेवर बीन कवर्ड इन हिस्ट्री बुक्स. इसको ये लोग राइट ऑफ कर देते हैं कि इट इज वन ऑफ इंसिडेंट, और इसमें वो वैसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा बिगटेड है बर्नी, इसलिए वो ऐसा लिख रहा है. स्टेट इस तरह का काम नहीं करती है. नहीं, स्टेट के सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जहां पे ये इस तरह की एक्टिविटी की गई है. जजिया कलेक्ट करने वाला जो है वो बैठा रहेगा, जजिया देने वाला जो है वो खड़ा रहेगा. जिसे देना है उसे अपना हाथ जो है वो नीचे रखना है, जिसे लेना है वो अपना हाथ ऊपर रखेगा. इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को बताया गया है. द पर्पस इज फर्स्ट टू आप पे एक इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करना,
दूसरा आपको बैडली ह्यूमिलिएट करना ताकि आपका कन्वर्जन जल्दी से जल्दी हो जाए। सेम रेफरेंस आपको औरंगजेब के जमाने में भी मिल जाएगा। औरंगजेब जब 1679 में जजिया को री इम्पोज करता है तो उसके जो ऑर्डर है ना, जो ऑफिशियल ऑर्डर है, वो उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिशियल ऑर्डर रिकॉर्डेड है पेपर पे। सॉरी टू इंटरप्ट, इज इट द सेम फतवा आलमगिरी जो इनका एक कंप्लीट लीगल सिस्टम था मुगल पे? नहीं, दैट इज अनदर थिंग। जो फतवा आलमगिरी वो एक अलग कंपेंडियम है जो इनके ज्यूरिसप्रूडेंस से भी रिलेटेड है, लेकिन जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे उस समय अखबारात के फॉर्म में जो है ना उस समय छपा करते थे, और कोर्ट से जो भी ऑर्डर निकल रहा है प्रोविंसेस के लिए वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्डेड रहती थी। तो हर रॉयल ऑर्डर जो हर डिक्री है वो रिकॉर्ड पे रहता था, तो उसका भी अपना एक कंपेंडियम बना हुआ है, उसमें वो मिल जाएगा। एलियट एंड डॉसन ने तो डायरेक्टली उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया है, तो उसमें भी वो सेम कंडीशंस जो है अप्लाई किए हैं औरंगजेब के दौरान में भी, कि जजिया कलेक्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्यों ह्यूमिलिएट करना जरूरी है। अकबर के कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट में शेख अहमद सरहिंदी डायरेक्टली कहता है कि इस्लाम का ऑनर तभी है जब कुफ्र और काफिर को जो है वो ह्यूमिलिएट किया जाए, और जो जजिया कलेक्ट करना है जो आपने मना कर रखा है, क्योंकि अकबर ने जजिया जो है वो बैन कर दिया था, उसने बंद कर दिया था, तो वो उसको रीइम्पोज करने की बात कर रहा था। तो दिस इज ऑल अलोंग थ्रू आउट द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जहां पे आप देखेंगे कि थ्रू सोशल मींस, थ्रू पॉलिटिकल मींस, थ्रू इकोनॉमिक मींस एंड थ्रू द मीडियम ऑफ ह्यूमिलिएशन, द स्टेट, इट्स उलेमा एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट एपरेटस ट्राइड ईच एंड एवरी थिंग के आपका जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इनके लाख चाहने के बावजूद भी हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का था जो वो करने को तैयार नहीं था, और लेटर ऑन पीरियड में जो रेजिस्टेंस इन लोगों ने फेस किया तो ये इनके लिए संभव नहीं हो पाया। इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक की बात को जो है फेस वैल्यू पे लेने की कोई जरूरत नहीं है कि राजा रहम दिल था इसलिए जनता बच गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, मैंने अभी जो मैं मेंशन की थी, ये जो औरंगजेब की फतवा आलमगिरी है, जो लीगल सिस्टम थी उन्होंने पूरी बनाई थी, डिज़ाइन की थी, ये भी काफ़ी अनजस्ट रही होगी टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स, उसके थ्रू भी इज़ इट आल्सो इम्पोर्टेंट कि ये पूरा जो लीगल सिस्टम और जो पूरा एक उनका रूलिंग का सिस्टम था, ये उस पीरियड का बड़ा इट वॉज ट्रबलसम फॉर द नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम? नहीं, आप इसको ऐसे देखें, ठीक है, ये बात आपकी सही है। देखिए, फतवा आलमगिरी तो एक तरह से जो इस्लामिक फिक है, जो ज्यूरिसप्रूडेंस है, उसके आलोक में जो शरिया लॉ है या जो अदर चीजें हैं उसका एक कंपेंडियम तैयार किया गया था। असल बात यह है कि औरंगजेब के इस पीरियड को आप देखिए तो वो काफी बिगटेड है, और जो भी उसकी जो स्टेट पॉलिसी है वो हाईली जो है वो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है। टेक अ रेफरेंस, जहां पे शुरुआती दौर से ही ये क्या कर रहे हैं, अब जो कन्वर्जन की पॉलिसी जो है स्टेट इतना ब्रूटली नहीं अप्लाई कर रहा था, वहां पे ये डायरेक्टली ओवर्टली कर रहा है। 1666 का रेफरेंस है जहां पे रॉयल ऑर्डर है औरंगजेब का कि जो भी हिंदू मेल कन्वर्ट होगा उसे 4 रुपए दिए जाएंगे, जो हिंदू फीमेल कन्वर्ट होगी उसे 2 रुपए दिए जाएंगे। दैट वॉज द रॉयल ऑर्डर। वट डज इट शो अबाउट द स्टेट? इनका खुद का ये जो रेफरेंस है औरंगजेब के पीरियड का ही, जिसमें क्लियर कट जो इन्होंने इनका एक डेक्री था जिसमें जितने भी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, जो बहुत क्रिटिकल पोजीशंस नहीं है, जैसे कुछ पोजीशंस तो हायर मनसबदारी में बहुत ज्यादा थे, इंपॉर्टेंट नॉन मुस्लिम जो ग्रैब करके बैठे थे उनको तो हटा नहीं सकता था, तो जो नीचे के पोजीशंस थे, जो जमींदारी थी उसमें से अगर हटा सकता था, तो उसने एक रॉयल डिक्री पास किया था कि प्रोविंसेस में इन सारे लोगों को हटाइए जो नॉन मुस्लिम हैं। फेवर करना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए रिलीजन के बेसिस पे, आप जैसे अगर आप देख लीजिए मनोहरपुर जो आपका जमींदारी थी वो एक हिंदू की थी, और वो जमींदारी उसे छीन ली गई, उसे जमींदारी तब दी गई जब वो कन्वर्ट हुआ, उस पर कंडीशन यही लगाया गया था। ठीक इसी तरह से रतन सिंह का जो मालवा के थे उनकी जमींदारी जो है वो डिस्प्यूट में आ गई थी, उनकी जमींदारी वापस इसीलिए दी गई क्योंकि वो कन्वर्ट किए। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं आप देखेंगी तो बहुत आपको लगेगा कि मतलब स्टेट का जो रवैया है वो कितना बिगेटेड था। मनुकी का एक रेफरेंस है जो उस पीरियड में आया था, यूरोपियन ट्रैवलर था, औरंगजेब के कोर्ट में आया था, और मनुकी साफ साफ रेफर कर रहा है कि जो टैक्स कलेक्टर्स जजिया जो इम्पोज किया गया था वो
पर्पस ही उसका ये था कि कन्वर्जन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग उसने देखे जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, जजिया पे नहीं कर पा रहे थे, और मजबूरन उन्हें कन्वर्ट करना पड़ा। तो मनुकी लिखता है कि औरंगजेब वॉज टेकिंग सो मच डिलाइट इन टू इट, तो इतना डिलाइटफुल हो कि ये पॉलिसी लाई गई थी। एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का एक गजट है ब्रिटिश पीरियड का, उस गजट का अगर आप पढ़ेंगे, उस गजट में लिखा हुआ है कि जो उस इलाके के जो जमींदार हैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है उस दौर में जो है वो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली का इलाका है, तो वहां के जो जमींदार हैं उनका क्लेम ये है कि वो जो उन्होंने बताया कि वो कब कन्वर्ट हुए हैं, वो अपने को ट्रेस करते हैं औरंगजेब पीरियड के बारे में। मोस्ट ऑफ देम का कहना है कि हमारा जो कन्वर्जन हुआ है वो औरंगजेब के पीरियड में हुआ है, और उसके दो ही कारण थे, सप्रेशन से बचने के लिए या एक्सेसिव टैक्स बर्डन से बचने के लिए या जमींदारी छिन न जाने के डर से। तो ये सारे रेफरेंसेस जो हैं आपको शो करते हैं कि स्टेट का जो बायसनेस था वो ब्लंट था, और सिर्फ औरंगजेब के ही खाते में नहीं, औरंगजेब के पीछे चले जाइए तो जितने भी रूलर्स थे वो सब बिगेटेड थे। एक वाइट वॉशिंग करने की कोशिश की जाती है। शाहजहां एक बहुत ही जबरदस्त बिगेटेड रूलर था जिसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिडिवल क्रॉनिकलर्स ही देते हैं। जब वो एक एक्सपेडिशन से लौट रहा था भाटीपुर, वो शायद जगह का नाम है, जो रेफरेंस है एलियट एंड डॉसन में, वो दो जगहों का नाम देता है, वो प्रोबेबली नॉर्थ वेस्ट में है। वहां से वो लौट रहा है तो उसने देखा के जो कुछ हिंदू रिकन्वर्ट्स हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, और अकबर के लैक्स पॉलिसीज, क्योंकि अकबर ने जो है वो अपनी पॉलिसीज में काफी रियायत दे रखी थी, जजिया हटा लिया था, तो बहुत सारे ऐसे जो कन्वर्ट्स थे वो रिकन्वर्ट हो गए, वापस अपने रिलीजन में हिंदू बन गए, और ऐसे लोग जो है मुस्लिम विमेन से शादी कर रहे हैं, और वो वापस आने के बाद सबसे पहले इन सभी शादियों को इल्लीगल करा देता है अपने रॉयल डिक्री से। तो ये है, ये जो इस्लामिक टिंज है मिडिवल इंडिया का, उसको हमारे हिस्टोरियंस छूना नहीं चाहते। जहांगीर के रेफरेंसेस आप ले लीजिए जो उसके कांगड़ा एक्सपेडिशन से रिलेटेड है, कांगड़ा से रिलेटेड है, और एक गुजरात से रिलेटेड है। एक उस मिडिवल क्रॉनिकलर जो उसी पीरियड का है, कंटेम्प्ररी है, उसने लिखा है कि गुजरात में जो है जैन्स जो है अपना एक मंदिर बना रहे हैं, और उस मंदिर को जहांगीर ने तोड़वा दिया और उन सारे लोगों को वहां से भगा दिया गया। तो ये सारे जो रेफरेंसेस आपको मिलते हैं उसको बहुत आसानी से साइडलाइन कर दिया जाता है मार्जिन पे, और एक खूबसूरत पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। पर आप देखिएगा कि जितना गलत जो है वो गजनी था, उतना ही गलत आपको औरंगजेब दिखेगा, और इन दोनों के फ्लेवर में आपको ज्यादा का अंतर नहीं दिखता है। बात सिर्फ इतनी हो जाती है कि इस देश में मोहम्मद गजनी जो है वो विलेन साबित हो जाता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान कभी रहा नहीं, वो तो वापस लौट गया। तो इट इज वेरी इजी फॉर आर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा जो नेशन बिल्डिंग का जो अपना एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में वो फिट बैठ जाता है कि अगर हम उसे विलेन बना देते हैं तो वी कैन सैक्रिफाइस गजनी एंड वी कैन सैल्वेज इस्लाम। लेकिन ये काम हम औरंगजेब के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब यहीं का रूलर है, यहीं का रह गया है। तो हमें उसको सूद करने के लिए, आज के पॉपुलेशन को सूद करने के लिए, इन सारे बिगेटेड लीडर्स को एक सही आलोक में दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये सारे रेफरेंस जो मैंने आपको बताए ये ऑथेंटिक रेफरेंस हैं। चाहे आप के एस लाल की किताब ले लें, उनकी 3-4 किताबें हैं, चाहे आप एस एस शर्मा की किताब ले लें, चाहे आप एलियट एंड डॉसन को पढ़ लीजिए, और भी कई सारे जो हैं रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जो काफी ऑथेंटिक हैं। जी सर, अब इस सब में जो आपने उस समय का पूरा सोशल स्ट्रक्चर एंड इन लोगों का हम जो भी बोलेंगे द वे दे रूल्ड ओवर दैट टाइम हिंदूज, ये जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो अगेन नाउ माय द क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज, ये जो बोल रहे बार बार कि लोअर कास्ट बहुत ऑप्रेस थे और वो बहुत ईजीली कन्वर्ट हो गए, तो ये कहाँ बैठता है ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर में, इतना ऑपरेशन चल रहा था, सो इज इट अ फैक्ट, ये हमको ऐसा नैरेटिव क्यों बताया जा रहा है? हाँ, थैंक यू, चूंकि हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे ऐसा। अगर हम लोग वापस टॉपिक पे, बिल्कुल आपने ये जो नैरेटिव है बेसिकली यही नैरेटिव इश्तियाक अहमद साहब का भी था जो आदित्य स्पेस में थे। और आप देखिए, एक सिंपल सी बात है, ये बार बार कहा जाता है। एक तो क्या है कि कोई भी मिडिवल जो हिस्टोरियोग्राफर है, किसी भी क्रॉनिकलर की, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जो स्पेस में बैठे हैं या जो बाद में स्पेस सुने, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी मिडिवल क्रॉनिकलर
अगर ये लिखता हो कि हिंदुस्तान में कन्वर्जन एक भी आदमी का, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का भी कन्वर्जन जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि जो है वो लोअर कास्ट सप्रेशन था और इसलिए वो बहुत आसानी से हमारे यहाँ आ गया, देयर इज नो एविडेंस टू इट। ये सारी चीजें कंजेक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। कंजेक्चर इनका ये है क्योंकि चूंकि इन्हें वाइट वॉश करना है उस पर्टिकुलर हिस्ट्री को, उस पर्टिकुलर पीरियड को, और चूंकि हिंदू समाज में समस्याएं रही हैं तो इट इज मतलब बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हो जाता है और हम आराम से उसको जो है उसकी लीपापोती कर देते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ सप्रेशन बहुत ज्यादा था इसलिए जो है वो कन्वर्जन बहुत आसानी से सप्रेस्ड कम्युनिटीज से हुआ। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि देखिए इस्लामिक हिस्टोरियंस ने तो कुछ भी नहीं लिखा, असल आप देखेंगे तो यूरोपियन हिस्टोरियंस ने ये पहली बात शुरुआत की 1880s 1890s से। आप देखेंगे ये ट्यून जो है ये यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफर्स जो हैं जो इंडिया में थे ब्रिटिश पीरियड में, उन्होंने शुरू किया और वहां से फिर इस्लामिक जो हमारे आज के हिस्टोरियंस हैं या जो आज का उलेमा है या जो आज का माइंडसेट है वो वहां से पकड़ के बार बार आपको बोलता है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि चलिए कंपोजिशन देखते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम का जो कंपोजिशन है वो कहाँ सबसे ज्यादा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो नॉर्थ वेस्ट में है और वो ईस्ट में है, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, बाकी जगह तो वो स्पोरैडिक रूप में है। नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा कल्चर क्या था जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ? बुद्धिज्म था। ईस्ट में अगर आप देखें बांग्लादेश में सबसे बड़ा कल्चर कौन सा था, सबसे ज्यादा लोग किस धर्म के थे? बुद्धिज्म के थे, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन किसका था? बुद्धिस्टों का था। सारे बुद्धिस्ट वहां से खत्म हो गए, सारे कन्वर्ट हो गए। नॉर्थ वेस्ट में आप देख लीजिए कि बुद्धिस्ट ही सबसे ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं इनिशियल पीरियड में, बाकी लोग जो है वो भाग गए। ये बंगाल में तो कम्प्लीटली जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन था जो हिंदू से कन्वर्ट हुआ था वो इस्लामिक उसका जो है इस्लाम में कन्वर्जन हुआ। बुद्धिज्म में तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, वो कैसे कन्वर्ट हो गए? तो कहने का मतलब है कि ये तर्क बिल्कुल निरर्थक है। आप जो भी हिंदुस्तान के टोटल पॉपुलेशन को अगर आप देख लें, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से कन्वर्जन हुआ है। हाँ, अगर जरा सा अगर स्क्यूनेस आपको दिखता है कि निचले वर्ग से ज्यादा लोगों ने कन्वर्ट किया है तो उसकी तो बहुत साफ साफ वजह है, लॉजिकल है। आपने जजिया लगाया, आपने खराज है, आपका खराज 50% ऑफ द प्रोड्यूस होता था, उसके ऊपर आप जजिया लगाते हैं, किस पे बर्डन सबसे ज्यादा जाएगा? गरीबों पे जाएगा। जो सप्रेस्ड कास्ट है, जो गरीब है, उस पे ज्यादा वो बर्डन जाएगा। सबसे पहले कौन कन्वर्ट होना चाहेगा? वो सबसे पहले कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये एक फैक्टर है जिसको आप नकार देते हैं। तीसरी चौथी बात इंपॉर्टेंट बात यह है, बार बार सप्रेस्ड कास्ट बोलकर ये ना कॉन्ट्रीब्यूशन को निगेट करते हैं। ये ऐसे धूर्त लोग हैं कि हमारे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को खा जाते हैं। आपको मालूम अंदाजा नहीं होगा कि हिंदुस्तान के इस जबरदस्त रेजिस्टेंस में बहुत बड़ी भूमिका निचली जातियों से आई है। लोग भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता है। हमारे हिस्टोरियंस भी ब्राह्मणवाद का बस नारा देते रहते हैं। आप रेफरेंस में आपको बता सकता हूं, मैं इसलिए आज की स्पेस में मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि हम लोग रेफरेंसेस पे जाएं। रेफरेंस ये लोग बार बार बोलते हैं ना कि लेकर आइए, ऐसे ही बात मत कीजिए, वो रेंट और आउटरेज मत कीजिए, आप रेफरेंस की बात कीजिए। मुबारक खलजी 1320 एडी में उसका सत्ता पलटा खुसरो खान ने, जो कि कन्वर्टेड हिंदू था, कन्वर्टेड मुस्लिम था हिंदू से, और उसने अपने आप को तुरंत जो है वो चेंज, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय हाफ कन्वर्जन हुआ करते थे, जो आज कन्वर्ट हुआ है वो कल जो है वो रिवर्ट बैक कर जाता था, और उसने विद्रोह किया, और विद्रोह उसने दिल्ली में किया, और उसको सपोर्ट किसने किया? वो बेवारी कम्युनिटी से आता था गुजरात के 20,000 बेवारी जो हैं वो अपना असला बारूद लेकर पहुंच गए दिल्ली, और मुबारक खलजी को मार भगाया इन लोगों ने। और आप जियाउद्दीन बरनी ने रेफरेंसेस दिए हैं वहां पे कि इन लोगों ने इस्लाम को खत्म करने का ये जो है जज्बा लेकर आए थे, वहां इन लोगों ने जो है वो आइडल स्थापित किए और जो है कुरान को डेसिक्रेट किया गया, ये सारे रेफरेंसेस दिए गए। तो ये आपके लोकल कम्युनिटीज जो हैं, जो सप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, वहां से ये रेफरेंस आ रहा है। चित्तौड़ में क्या सिर्फ राजपूत लड़े थे? 8,000 राजपूतों के साथ 40,000 पीजेंट्री लड़ी थी। चित्तौड़ में महाराणा प्रताप के साथ भील भी लड़े थे। आपके गोंड जो हैं, आप मध्य प्रदेश में गोंड ने रेजिस्टेंस किया है मुगलों का। आपके जो जाट हैं, सतनामी हैं, आपके जो मराठा हैं, मराठा कौन है? शिवाजी जो हैं वो तो उसी कम्युनिटी से आते हैं। मराठा का पूरा आंदोलन ही वही है जिसने पूरे मुगल एम्पायर को हिला के रख दिया।
लेकिन आप बार बार इस तरह के लॉजिक को लाके कि सप्रेस्ड कम्युनिटीज से, क्योंकि वो ऑप्रेस थे वहां पे हिंदुओं से, इसलिए जो है वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, ये बेतुका तर्क है। मैं आपको रेफरेंसेस से भी बता दिया, प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि लार्जर कन्वर्जन बुद्धिज्म से हुआ है नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में, और हिंदुइज्म से कम हुआ है। तो ये दोनों एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये बात मुझे तर्कसंगत। ये जो हमें कहा जाता है कि सूफी मूवमेंट एक बहुत पीसफुल कन्वर्जन का मूवमेंट था, एंड इट वूड पीपल एंड दे वर रोमांटिसाइज्ड बाय द आइडिया एंड दे वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद सूफिज्म, एंड धीरे धीरे ऐसा कन्वर्जन हुआ है। ये किस हद तक ये हम इसे माने और क्या हम इसे कैन बी डिस्कस दिस पॉइंट? जी जी, देखिए सूफी का जो पूरा हिसाब किताब है ना इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज्यादा इसको डील किया जाता है जब कन्वर्जन की बात आती है। जो आप शुरुआत में कह रही थी जो नैरेटिव वॉर की बात है, तो इंडिया में जो हमारे सप्रेस्ड कास्ट से कन्वर्जन का एक नैरेटिव है वो तो है ही, उसको हम लोगों ने डील कर लिया। लेकिन ये जो आखिरी नैरेटिव है जो आप बात कर रही थी सूफियों का, इसको खूब यूज किया गया है। लेकिन लेट अस गो बैक एंड लेट अस ट्रेस फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। अगर आप देखें तो थॉमस एर्नोल्ड आपको जो है वो मिल जाएंगे, जो उनकी जो किताब है 1892 की, वहां पे आपको एक चेंज मिलता है। जो यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफर्स हैं वो इस्लामिक कन्वर्जन को एक दूसरे नजरिए से देखते आए थे, लेकिन थॉमस एर्नोल्ड ने बिल्कुल उस पूरे प्लॉट को चेंज कर दिया, और जो उन्होंने किताब लिखी 1892 में उसमें वो एक अलग ही ढर्रे पे लेकर गए और ब्लैंकेट तरीके से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान में जो मैक्सिमम कन्वर्जन है वो सूफियों ने पीसफुल तरीके से कराया है। अब बात ये है कि फिर इनका ये जो कंक्लूजन है वो सब्सटैंशिएट कहाँ से होता है, क्या रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि आप जब हिस्ट्री में किताब लिख रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो देखिए इन्होंने तो वो नहीं दिया है उस तरह से, इनकी ही किताब का ना एक तरह से रिव्यू कह लीजिए, पीटर हार्डी ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि बेसिकली थॉमस एर्नोल्ड ने कहां कहां से चीजें उठाई हैं जिसके कारण से ये गलत नैरेटिव चला है। अब थॉमस एर्नोल्ड ने क्या किया कि वो ब्रिटिश एरा के जो सेटलमेंट रिपोर्ट्स होते थे उन रिपोर्ट्स को उसने उठाए थे। अब उन सेटलमेंट रिपोर्ट में जैसे एक रिपोर्ट वहां मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, वो सेटलमेंट रिपोर्ट 1878 की है, उसमें वो लिखा हुआ है कि यहाँ के कुछ लोगों का कहना है, देखिए ये क्या है, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि बाबा फरीद ने जो है वो हमारा कन्वर्जन कराया है। उसी तरह से आजमगढ़ का सेटलमेंट रिपोर्ट है 1880 का, और वहां उसमें भी वही लिखा है कि यहाँ के जितने भी जमींदार हैं उनका ये कहना है कि उनका जो कन्वर्जन है वो सूफी संतों ने कराया है मिरेकल को परफॉर्म करके। उसी तरह एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1881 या 82 की सेटलमेंट रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में गेसु दराज के बारे में बताया गया कि उन्होंने मुंबई के महाराष्ट्र के आज के महाराष्ट्र के जो वीवर्स हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया है मिरेकल के थ्रू। और उसी किताब में एक और रेफरेंस उन्होंने दिया है पीर माबारी खंडायत की, जो कि दक्कन के एक बहुत बड़े सूफी माने जाते हैं, और उसमें भी वो रेफरेंस वो दे के कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से किया गया है। हालांकि अगर आप देखें तो मोहम्मद हबीब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले थे, उन्होंने जो अपना रिसर्च पेपर दिया था उस रिसर्च पेपर में उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया कि जितने भी मलफुजात हैं जो बेसिकली सूफी लिटरेचर होते हैं वो पूरे जो है ना वो उसमें जो है बाद में त्रुटियां आ गई हैं, वो गलत तरीके से लिखा गया है, वो लेटर ऑन पीरियड के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो उनके चेले चपाटे जो करते हैं वो उन्होंने किया है, और लोकल पॉपुलेशन ने वो मिरेकल मिरेकल बोल के किया है, ये सब फैब्रिकेशन है लेटर ऑन पीरियड का, इसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में कभी भी सब्सटेंशिएट नहीं करना चाहिए, ये निराधार है। ये मोहम्मद हबीब लिख रहे हैं अपने एसे में, उन्होंने लिखा है और उनकी एसे केएस लाल ने अपनी किताब में छापी है। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक नैरेटिव आपने बुना एक सेटलमेंट रिपोर्ट के आधार पे जो कहा सुनी के तौर पर है, जो मिरेकल परफॉर्मेंस के आधार पर है,
और आपने एक किताब लिख दी, उसके बाद अगले वाले ने आपके किताब के रेफरेंस से उसने चीजें लिख दी, और फिर लेटर ऑन पीरियड में एक पूरा लिटरेचर तैयार हो जाता है। फिर हमारे हिस्टोरियन बैठते हैं और वो सारे रेफरेंसेस, जो पॉजिटिव रेफरेंसेस, निकाल के लाते हैं और वो काम तमाम कर देते हैं। इसी श्रृंखला में आपको मैं एक और नाम बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सूफी चूर्ण के हिसाब से, और वो है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन की एक किताब है सूफीज ऑफ बीजापुर, आई थिंक उन्होंने लिखी है 800 टू 1700 एडी, ये पूरा इतना लॉन्गर टर्म में उन्होंने उसको कवर किया है, और 1978 में उनका पीएचडी का थीसिस रहा है ये। इस किताब में उन्होंने ना सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से सूफी जो है वो अग्रेसिव थे, जिहादी थे, वॉरियर के रूप में देक्कन में गए और वहां पे जो है इन्होंने कन्वर्जन किया। जो पीर माबारी खंडायत का रेफरेंस थॉमस अर्नॉल्ड दे रहे हैं कि उन्होंने बड़े पीसफुल तरीके से कराया, जो ओल्डर डॉक्यूमेंटेशन है वो रिचर्ड ईटन ने कवर किया है, और उसमें वो बताते हैं कि खंडायत नाम ही इसलिए पड़ा था कि ये आयरन रॉड रखता था, और उसमें रेफरेंसेस दिए गए। एक पुरानी किताब है 18th सेंचुरी की, उस किताब में वो लिखा गया है कि ये वॉरियर सेंट के रूप में यहाँ आए जिहाद करने के लिए, और कई सारे राजाओं को इन्होंने मार गिराया और होलसेल कन्वर्जन कराया। That is written by Richard Eaton, और इस किताब को हिंदुस्तान में बैन किया गया था। Unfortunately, यही Richard Eaton अपने आप को पूरा स्विच कर चुका है। 2000 में उसने जो ऐसे लिखी है वो खुद जो है Richard Eaton आज की तारीख में ये बताता फिरता है पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान के सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी जो कन्वर्जन हुए हैं वो मोस्टली सूफियों के द्वारा हुए हैं, और वो भी वही सारे मिरेकल वाले रेफरेंसेस जो है बंगाल से, यूपी से और पंजाब से और दक्कन से देता है, जिसको मोहम्मद हबीब ने खारिज कर दिया है। तो एक प्लॉट तो मैं आपको ये बैकग्राउंड बताना चाह रहा था जो हम लोग जनरली चर्चा नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको देखिए कि वो उसका ट्रेस कहाँ से हो रहा है, और उसके ट्रेसिंग से हमें पता चलता है कि ये बैड नैरेटिव वहां से इस तरह हमारे पास आ रहा है। दूसरी बात रही, अगर देखें सूफियों के बारे में ही कहें तो हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग में जो जिस तरह की हिस्ट्री आपने लिखनी है उस तरह का फैक्ट आपके पास मौजूद हो जाता है, क्योंकि हर किसी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और बुरा आपको मिलता रहेगा। तो आप जितने भी आपके सूफी सेंट्स, जितने भी सूफी सेंट्स आप ले लीजिए, जो आपके बड़े बड़े सूफी सेंट्स नाम हैं, चाहे वो मोइनुद्दीन चिश्ती हों, चाहे आपके औलिया हों निजामुद्दीन औलिया, चाहे उनके चेले जो हैं वो जो उनके डिसाइपल थे अमीर खुसरो, उनकी भी बात ले लीजिए, या उसके अलावे भी जो हैं वो एक और थे शेख मुबारक गजनवी, इन सारे लोगों के रेफरेंसेस को आप अगर उठाकर देखेंगे तो हमारे हिस्टोरियन ने उन्हें बहुत पॉजिटिव लाइट में थ्रो करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जितने भी सूफी हैं, देखिए उलेमा और सूफी के अंतर को समझिए। उलेमा जो है वो कोर्ट से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल रूप से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो अर्बन सेंटर में बैठता है, वो राजा के पास है, वो स्टेट की पॉलिसी को चेंज करने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहता है। लेकिन जो सूफी है वो पूरे रूरल एरिया में घूमता है, वो बिल्कुल जो है वो फूट सोल्जर के रूप में काम करता है, कहने को मिशनरी है लेकिन उसका काम मिशनरी जैसा नहीं है। तो जो रेफरेंसेज आपको निजामुद्दीन औलिया के बारे में मिलेंगे वो बहुत खतरनाक हैं। आपके जो केसी राय चौधरी हैं, या जो आपके केस लाल ने ही लिखी हैं, या एसएस शर्मा ने 2004 में एक किताब लिखी थी कैलिफ एंड सुल्तान्स, उसमें भी अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको रेफरेंस मिलेगी कि भाई ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो जिहाद के लिए ही आया था, मुल्तान कुबाचा जो उस समय का रूलर था उसको वो हेल्प करने के लिए आया था, एंड ही हैज टेकन क्रेडिट। और जितने रेफरेंसेस हैं उनके जो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं वो बहुत ही डिफाइलिंग हैं। वो तो बोलते हैं कि भाई जो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो तो जो है वो विकेट है बहुत ज्यादा। जो इनके अपने चेले हैं अमीर खुसरो, जिसके बारे में कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब के जो है वो सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं, आप पढ़िए एलियट एंड डॉसन को जिन्होंने पूरी तरह से कवर किया है, आप एसएस रिजवी को पढ़िए, उसमें उन्होंने बताया है कि अमीर खुसरो ने जो जो डिस्क्रिप्शंस दिए हैं जितने भी जिहादिक वॉर्स हैं उसका बड़ा मजा ले लेके इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, और हर जगह इन्होंने जो है वो नॉन मुस्लिम्स जब सब्जगेट किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसको इन्होंने बहुत ही
जो है मजे लेके उन्होंने उसमें लिखी हैं, उसमें पोएट्री की हैं, वो सारे रेफरेंसेस आपके पास से हटा लिए जाते हैं, उन रेफरेंसेस को परोस दिया जाता है जो आपके गंगा जमुनी तहजीब के बराबर का दिखता है। तो ये सारे आप देख लीजिए, एक सिरे से आपको मिल जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती तो खुद जो है उनके रेफरेंसेस हैं कि अजमेर में जो आए वहां से फिर पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने ही पकड़ा और उसके बाद जो है हवाले किया गोरी के। तो दोज़ार रेफरेंसेस जहां पे वो और भी रेफरेंस दिए गए हैं कि वो डेलिबरेटली काउ स्लॉटर करते थे ताकि जो है वो जो है इन्फ्यूरिएट किया जा सके। तो जितने भी आप देखेंगे ना ये सूफी सेंट्स हैं, और खासकर जब आप रीजनल पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ये तो मैंने आपको नेशनल पर्सपेक्टिव से बता दिया, जो ये दिल्ली के आसपास वाले लोग हैं, आप बंगाल को जाके देखिए, आप दक्कन को देखिए, कश्मीर को देखिए, गुजरात को देखिए, जब आप इन इलाकों में जाएंगी, जैसे आप बंगाल में ही अगर आप देख लीजिए, आपके शेख जलालुद्दीन तबरीजी हैं, उनके रेफरेंसेस तो आपके सामने सामने पड़े हुए हैं, और वो ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं। केएस लाल ने भी कोट किया है, रिजवी साहब ने भी कोट किया है, सूफिज्म इन इंडिया में पूरा डाला है कि वो जाते के साथ बंदा जो है आपके मंदिर जो है उसको तोड़ के उसने अपना खनका बनाया है वहां पे, और आप उसको सबसे पीसफुल बताते हैं। जो शेख जलाल जो है बांग्लादेश में आज नेशनल हीरो बताए जाते हैं, ही वॉज वन ऑफ द सूफी सेंट्स ऑफ मिडिवल पीरियड बंगाल में, जो जबरदस्त तरीके से जिहाद लड़ने गया था। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के चेले थे और ये यहाँ से बंगाल भेजे गए थे, जो एक हिंदू राजा था उसके खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उस जिहाद में ये शामिल हुए थे, और वहां हजारों लोगों को हराने के बाद इन्होंने कन्वर्ट किया। लेकिन कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि ये कन्वर्जन पीसफुल था, कहीं भी आपको वो रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीसफुल कैसे हो सकता है जब आपने हराया है, मारा है और वहां कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि इब्न बतूता उस पीरियड में जब ट्रेवल कर रहा था, वो बांग्लादेश पहुंचा हुआ था, घूमते घूमते वो शेख जलाल से मिला और उसने भी ये पूरे रेफरेंसेस दिए हैं, लेकिन उसने कहीं ये नहीं बताया है कि ये बड़ा पीसफुल तरीके से गाना गा के हुआ है। तो ये सारे रेफरेंसेस हैं। और कश्मीर की बात ही मत करिए, कश्मीर में तो आप जाएंगी तो वहां का जो सूफिज्म है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चूर्ण बेचा जाता है कि वो बहुत ही पीसफुल रहा है, वो सबसे वायलेंट रहा है, और उसके एक एक रेफरेंसेस मैं आपको बता सकता हूँ। और उसकी जो बहारिस्तान है शाही एक किताब है मिडिवल क्रॉनिकलर की, उसमें तो उसने पूरे तरीके से नंगा कर दिया इन लोगों को। जो तारीख है कश्मीरी किताब है उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि जो सिकंदर बुद्ध शिकन जिसके बारे में कहा जाता है वो तो रूलर था, रूलर तो चलिए जाति कर रहा है, लेकिन जो सूफी सेंट था, जो मोहम्मद इराकी, शेख मोहम्मद इराकी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस जिसको बोला जाता है, जो सबसे बड़ा माना जाता हो उस पीरियड का सूफी सेंट, जिसको हमारे हिस्ट्री की बुक में भी बहुत बड़ा करके बताया गया है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिगटेड पर्सन, जिसके बारे में एक उस समय के लोग जो पर्शियन टेक्स्ट है वो बताता है कि वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है मलिक रैना जो मुसलमान है उसके साथ मिलके वो सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए जो है प्रयोजन करता है, और एवरी डे 700 to 1000 पीपल उसके दरवाजे पर आते थे जिनके जनेऊ उतारे जाते थे और उनको खतना किया जाता था, उनको बीफ खिलाया जाता था। दैट इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ अ मिडिवल क्रॉनिकलर जो कि कंटेम्प्ररी या नियर कंटेम्प्ररी है, इसको आप कैसे झुटला सकते हैं। उसके बाद जो काजी चक जो नया एडमिनिस्ट्रेटर था उसने उसके भी साथ भी उसने मिलके वही काम किया। उसके बाद जो आप जितने भी डेवलपमेंट्स हुए कश्मीर में आप देख लीजिए, आपको एक एक रेफरेंस बजाबते मिल जाएंगे वहां के बुक्स में जिसको हमारे हिस्टोरियंस जो है छुपाना चाहते हैं। तो आप कहीं के रेफरेंस गुजरात के ले लीजिए या आप दक्कन के ले लीजिए, आपको सारे जगह के सूफी सेंट्स वही रेफरेंस मिलेगा कि आपके मंदिर को तोड़कर, आपके पूजा घर को तोड़ के खनका बना दिया गया और आपको जो है वो कोयर्स करके जो है वो कन्वर्ट किया गया। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि आप आज की राजनीति और आज के सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए अगर झुठलाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन इतिहास तो इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता है, इतिहास की सच्चाई तो वही बनी रहेगी। तो ये सूफी एंगल समझना बहुत जरूरी है, और जो मैंने थॉमस आर्नोल्ड का रेफरेंस दिया है और जो सेटलमेंट रिपोर्ट के थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीजें वो गलत तरीके से कोट की हैं, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बैकग्राउंड को समझें। जी आकांक्षा जी, थैंक यू क्रिस्टल सर। मतलब फॉर पीपल लाइक अस
डोंट नो मच अबाउट सूफिज्म, आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर एंड वी नीड टू एक्सप्लोर मोर कि कैसे इतना ब्रेन वॉशिंग हुआ है हमारा और क्यों. टुडेज स्पेस हैज़ बीन अ गुड आई ओपनिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मन में और आए हैं एंड लाइक यू सेड कि अब हमें इसके बाद बहुत सारी स्पेसेस करनी पड़ेगी ऑन स्मॉलर टॉपिक्स जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करें. एंड वी शुड ऑल रीड बुक्स जिसमें ऐसे काउंटर नैरेटिव्स के प्रेफरेंसेस हो एंड वी शुड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस ताकि हमें भी पता चले कि एक्चुअली कुछ बुक्स में कुछ सच्चाई भी लिखी है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है.